Assalamu alaikum. My name is Mohammad Daoud Shahid and I'm a senior sales executive in HMR What a Friend. If you want to visit our office, aap Abdul Sattar Idi Avenue Road se aa sakte hain jo clock tower se road aa raha hai. Sirf 2 se 3 minute ke faasle pe aapko HMR What a Friend bilkul nazar aayega. HMR What a Friend ne apna first flagship project launch kiya hai jo ground plus 34 hai. Tower ka naam hai H1. इसके अंदर मजीद बताया जाए तो ये हमारी 4858 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड पे फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. इसके अंदर हमारे पास 8 फ्लोर्स हैं पार्किंग के लिए. बेसमेंट 1-2, लोअर ग्राउंड 1-2 में पार्किंग है. इसके अलावा 4 फ्लोर्स मजीद ऊपर की जानेब रखे गए हैं. सो टोटल 8 फ्लोर्स ऑफ पार्किंग है. लोअर ग्राउंड 1-2 पे हमारे पास 7 डबल हाइटेड सी फ्रंट रिटेल आउटलेट्स हैं. ऑन द ग्राउंड सरफेस, अच्छा जो आप ग्राउंड सरफेस देख रहे हैं, जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये डिफरेंस का मकसद ये है क्योंकि हमारी प्लानिंग थोड़ा लेट है तो हमने द होल कम्युनिटी विल बी एलिवेटेड फ्रॉम द रोड लेवल अप्रॉक्सीमेटली 25 to 27 feet. द रीजन इज टू सेव फ्रॉम द अर्बन फ्लडिंग एंड टू सेव फ्रॉम द हैवी रेनफॉल. इसके अंदर मजीद बताया जाए तो ग्राउंड पे हमारे पास पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े सी फ्रंट टाउन हाउसेज हैं. 4 and 5 bed options, 6,900 square feet to 7,600 square feet. इसके अंदर मैं आपको बात इसमें ऐड करता चलूं, जो sizes आपको बताए जा रहे हैं, इस साइज में हमारी कार पार्किंग शामिल नहीं है. जी हाँ, HMR Waterfront आपको फ्री कार पार्किंग देता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बाइंग दिस टाउन हाउस फ्रॉम अस, तो यहाँ आपको इसके साथ 4 कार पार्किंग बिल्कुल फ्री दी जा रही है. जैसा मैंने आपको बताया कि 4 फ्लोर्स हमारे मजीद ऊपर की जानेब है. सो 6 फ्लोर्स फॉर द एमिनिटी फ्लोर. नॉर्मली स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट हम पूरे पाकिस्तान में देखते आए हैं. सो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमारे पास इधर इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट आया है, विच विल बी हाफ ऑफ द ओलंपिक साइज. जी हाँ, इसके साथ साथ हमारे पास में सी फ्रंट जिम है, मल्टीपर्पज हॉल है, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज हैं, एक्सक्लूसिव फॉर द रेजिडेंट्स ओनली. अब हमने इसमें डिफरेंट फ्लोर प्लेट्स रखी हैं, लाइक 7th फ्लोर टू 14th फ्लोर. हमारे पास से 1 and 2 बेड के ऑप्शन है. 1 बेड या तो बुलेवर्ड फेसिंग है या टावर फेसिंग है, जबकि 2 बेड हमारे पास सी फेसिंग ऑप्शन मिल जाते हैं. इस 1 and 2 बेड का मकसद क्या है कि एक छोटी फैमिली के साथ एक छोटा कपल रहेगा. द होल 15 फ्लोर फॉर द सर्विस फ्लोर. फ्रॉम 16 to 24 हमारे पास 2 and 3 बेड के ऑप्शन है. ईच फ्लोर हैज 7 यूनिट. नाउ जो ये वाली फ्लोर प्लेट है वो स्टार्ट फ्रॉम 25th till 32nd. इसको बेसिकली मैं कहता हूँ गोल्डन फ्लोर प्लेट, या इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये मेरी फैमिली फ्लोर प्लेट है, क्योंकि इसमें एक फ्लोर पे 5 यूनिट है. और जो आप इस टावर का फ्रंट देख रहे हैं, इस पर सिर्फ 2 4 बेड. नॉर्मली हम पाकिस्तान में अगर देखते हैं तो एक 1000 गज का जो बैंगलो होता है उसका फ्रंट या तो 75 feet होता है या 90 feet होता है. जनाब अली, इस जो हमारे इस एक वन बेड, एक 1 4 bed का जो आप फ्रंट देख रहे हैं, इसका फ्रंट 100 feet का ऑलमोस्ट फ्रंट है. या ये यहाँ से यहाँ तक एक 4 bed का फ्रंट है. सो कॉर्नर टू कॉर्नर आपका अपार्टमेंट जो है सी फेसिंग रहता है. सिर्फ फ्रंट ही नहीं, इसका जो साइज है वो है 4,250 स्क्वायर फीट. और इसके साथ 3 कार पार्किंग फ्री है जो साइज में इंक्लूड नहीं है. सो हो गया 500 गज आपका जो 25th से 32nd फ्लोर तक आता है. टॉप पे 33rd और जो 34th फ्लोर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास मिलते हैं ड्यूप्लेक्स पेंट हाउसेस, 2 ऑन द सी फेसिंग साइड एंड 2 ऑन द बुलेवर्ड फेसिंग साइड. दिस इज अ मेन बुलेवर्ड फेसिंग व्यू. ये 33 acres में ही अंदर की जानेब बुलेवर्ड फेसिंग है, डाउन टाउन फेसिंग है, या हम इसको सिटी फेसिंग भी कहना गलत नहीं होगा. यहाँ पे हमारे पास एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं. बुलेवर्ड से आपको मेन रिसेप्शन एरिया मिलता है और बुलेवर्ड की जानेब भी हमारे पास 2 रिटेल आउटलेट्स हमें देखने को मिलते हैं. जनाब अली, ये जो आप देख रहे हैं रोड्स, तो यहाँ हमारे पास 3 lanes इन है, 3 lanes आउट है. वाइड फुटपाथ रखे गए हैं वॉकेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए. अच्छा, सी फ्रंट पे भी हमने रिटेल आउटलेट्स रखे हैं, बुलेवर्ड पे भी रिटेल आउटलेट्स हमें देखने को मिलेंगे. ग्रीन बफर्स, जो आपको ये ग्रीनरी नज़र आ रही होगी सी फ्रंट साइड पे, बुलेवर्ड साइड पे, तो इसके अंदर मैं आपको मजीद बताना चाहूँगा, इस पूरी कम्युनिटी में जो आप 33 acres है, इस पर सिर्फ और सिर्फ 58% पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं. और जो 42% एरिया है वो हमने लैंडस्केपिंग को डेडिकेट कर दिया, मतलब नॉट सेलेबल एरिया को.
इस कम्युनिटी में हमारे पास 1.6 किलोमीटर लॉन्ग पूरी प्रोमेनाड वॉक आती है। हम थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, मैं आपको थोड़ा चाहूंगा कि मैं आपको इधर प्रोमेनाड वॉक भी बता सकूं। जी जो आप पीच हाइलाइटेड एरिया आप देख रहे होंगे, दिस पीच हाइलाइटेड एरिया, दिस इज 1.6 किलोमीटर लॉन्ग पूरी प्रोमेनाड वॉक है। ये पूरी कम्युनिटी कनेक्ट करती है आपकी आपस में, जिसके अंदर आपकी बाइसाइकिलिंग ट्रैक आते हैं, जॉगिंग ट्रैक आते हैं, सी फ्रंट प्रोमेनाड, मतलब आपको बहुत सारी एमिनिटीज इस कम्युनिटी में देखने को मिलती हैं। सो इफ यू वांट टू विजिट आवर ऑफिस, आप अब्दुल सत्तार एडी एवेन्यू रोड से अगर आ रहे हैं क्लॉक टावर की तरफ से, सिर्फ 2 से 3 मिनट के फासले पर आपको HMR वाटर फ्रंट आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।